हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सुशासन दिवस पर हिंदी निबंध दिया गया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर साल पूरे भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाना भारतीय लोगों के लिए बहुत सम्मान की बात है। सुशासन का अर्थ है एक ऐसा शासन जिसमें देश के लोग प्रसन्न हों, उनका विकास हो, देश के हर फैसले में उनकी हामी शामिल हो, ऐसे शासन को ही सुशासन कहा जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों को विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करके सुशासन दिवस को मनाते हैं। स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थी कई गतिविधियों में भाग लेते हैं, जैसे निबंध लेखन प्रतियोगिता, वाद विवाद, समूह चर्चा, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, खेल आदि। सुशासन दिवस मनाने के उद्देश्य। सुशासन दिवस देश में एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन मुहैया कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए मनाया जाता है। यह भारत में आम नागरिकों के कल्याण और भलाई को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह भारत में सुशासन के एक मिशन को पूरा करने के लिए अच्छी और प्रभावी नीतियों को लागू करने के लिए मनाया जाता है। यह सरकारी अधिकारियों को आंतरिक प्रक्रियाओं और उनके काम करने के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए मनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।